अच्छे बच्चे बनो ताकि हम अच्छा आपको पढ़ा पाए। छोटे बच्चों को होता है ना, छोटे बच्चों को बोला जाता आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, आपने पढ़ाई क्यों नहीं की, आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया, ये छोटे बच्चों का काम होता है। अभी आप लोग बड़े हो चुके हो, बड़े बच्चों को ये सब चीजें नहीं पूछी जाती आपने होमवर्क किया क्यों नहीं किया। या तो बिल्कुल दूध पीते बच्चे हो जिनको हर चीज उंगली पकड़ के चाहिए, कि उनसे पापा भी हर टाइम पूछेंगे, आई भी हर समय पूछेगी और टीचर भी हर समय पूछेगा पढ़ाई कर ले पढ़ाई कर ले पढ़ाई कर ले। मैंने आपको मीटिंग का फर्स्ट डे ही कहा कि आप लोग होमवर्क में सिंसियर रहिएगा, लेकिन आप लोग अगर आप बदलना चाहते हैं तो मैं भी फिर आपके लिए स्ट्रिक्ट होता जाऊंगा, ठीक है। तो अगली बार जो होमवर्क की आप मिस्टेक करते हो ना, अगली बार मिस्टेक कोई दोहराना मत, नहीं तो चाहे मैं क्लास में 20 बच्चे पढ़ाऊँ 20 बच्चे पढ़ाऊंगा अगर अगली बार, ठीक है। ये बात याद रखना अगली बार। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 27। आज कुछ को भारी रखने क्लास के। हाँ भाई शुभम जी, आपको क्वेश्चन नंबर 27 में क्या डाउट है? सर वो रेजिस्टेंस निकाल लिया लेकिन वोल्टेज और करंट निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। आपका रेजिस्टेंस कितना आया? सर 1 मिनट। सर रेजिस्टेंट इक्विवेलेंट आया 25 ओम्स। तो फिर करंट निकालने में क्या दिक्कत? सर वो करंट भी आ गया सर 4 वो एम्पियर सर, वो हर रेजिस्टेंस वाला नहीं आ रहा। ईच रेजिस्टेंस पे कैसे निकालना हो? क्यों नहीं आया? मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, कल मैंने क्या समझाए नहीं थे क्वेश्चन? सर समझाए थे लेकिन सर डिफिकल्टी हो रही। क्या डिफिकल्टी? यहाँ से करंट कितना फ्लो करेगा? जब मैं समझाता हूँ तो उसको ध्यान से सुनो जो मैं कहता हूँ। तो निकल वीडियो किसका होना है? ईशा। ए ईशा। चलिए समझा देता हूँ एक बार। ये आपका प्लस साइन, ये आपका माइनस साइन, ठीक है। आपका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना है? 25 ओम्स। हमारा करंट कितना आया? 4 ओम्स। यहाँ से करंट ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया 4 एम्पियर। यहाँ से करंट ट्रेवल करेगा 4 एम्पियर। यहाँ से करंट ट्रेवल करेगा 4 एम्पियर। तो I5 इक्वल टू 4 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर आपका निकलेगा V5। V5 इक्वल टू I5 इंटू R5। 4 इंटू R कितना है? 10। तो कितना हो गया? 40 वोल्ट। ये तो क्लियर है तेरे को भी? यस सर। बराबर। अब यहां से के बाद करंट यहां पर गया, कुछ करंट यहां फ्लो करेगा, कुछ करंट यहां फ्लो करेगा, फिर यहां पर करंट आएगा वापस और यहां पर करंट आएगा और फिर इसमें करंट जाएगा। तो यहां पर भी आपका कितना करंट होगा? I1 4 एम्पियर, क्योंकि पूरे सर्किट में करंट क्या रहता है? सेम रहता है। इसका मतलब V1 कितना हो गया? I1 इंटू R1। तो 4 × 5 20 वोल्ट। तो V1 कितना आ गया? 20 वोल्ट। V5 कितना है आपका? 40 वोल्ट। टोटल कितना हो गया? 60 वोल्ट। ये टोटल कितना है? 100 वोल्ट। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम में कितना जाएगा बता फटाफट? इस पूरे सिस्टम के लिए कितना बचा वोल्टेज? सर 40। एग्री। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम में 40 वोल्ट जाएगा, ठीक है। अभी देखा गया, जब 40 जाएगा, अब ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है ना, ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है। इसका मतलब
वी टू कितना हो जाएगा 40 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पर आपका कुछ होगा वी थ्री, कुछ होगा आपका वी फोर। आप पहले वी थ्री निकाल लो, वी थ्री कितना होगा, वी थ्री हमको मिलेगा कितना है 40 है, ठीक है, इस पूरे सर्किट में भी 40 जाएगा। अब यहां से हम करंट का स्पीड देखें, करंट कितना स्पीड होगा, यहां से करंट कितना फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर, यहां से कितना फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर, इसमें कितना जाएगा 4 एम्पियर, तो आपका आई टू 4 एम्पियर, देखो करेक्ट है, 20 इंटू 4 आई इंटू आर 80, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, सॉरी करंट यहां स्प्लिट होगा, सॉरी करंट यहां पर आपका 4 एम्पियर 4 एम्पियर नहीं जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा यहां पर करंट आपका, यस, यहां पर आपका करंट कितना था 4 एम्पियर, तो कुछ करंट यहां जाएगा कुछ करंट यहां जाएगा। अब हमको V2 पता है R2 पता है, यहां से हम क्या निकालेंगे I2, तो V2 अपॉन R2, V2 कितना है 40, R2 कितना है 20, कितना आया 2 एम्पियर, इसका मतलब इस सर्किट में कितना करंट आया 2 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा 2 एम्पियर, तो यहां पर कितना है 4 एम्पियर है, 2 इधर चला गया और 2 इधर चला गया, ठीक है। अब सीरीज में आपका करंट सेम रहता है, इसका मतलब यहाँ पर I4 2 एम्पियर, आपका I3 2 एम्पियर। अब यहाँ पर वोल्टेज निकालेंगे इस लोकेशन पे, तो V4 इक्वल टू I4 इंटू R4, तो V4 कितना आ गया, I4 कितना है 2, R4 कितना है 10, 20 वोल्ट, इसका मतलब हमारा V4 कितना आ गया 20 वोल्ट, ये भी 10 ओम्स है, ये भी 2 एम्पियर है, V3 कितना आ गया 20 वोल्ट, हो गया सब कंबाइन, ये आपका यहाँ पर 20, 20, 40, 60, ठीक है, तो यहाँ पर 40 था, यहाँ पर भी आपका 40 है, तो 40, 40, 80 और 80 और 20, 100, आपका वोल्टेज भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपका 4 एम्पियर था, यहाँ पर आपका 4 एम्पियर है, यहाँ पर आपका 2 एम्पियर गया, यहाँ भी आपका 2 एम्पियर गया, आगे कंबाइन होके 2 एम्पियर आ गया। अभी क्लियर अनुश्री? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बच्चा। सर कैंट वी स्टार्ट फ्रॉम रेजिस्टर 1 एंड एज रेजिस्टर 1 आई मीन वोल्टेज 1 वैल्यू इज 20 वी कैन subtract 100 minus 20 and then the parallel circuit will have 80 volts. देखो बच्चा, normally हम लोग करंट को इस फ्लो में लेते हैं ना प्लस टू माइनस, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर पॉजिटिव साइन था इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इसको, करंट ऐसे फ्लो कर, तो देखो आपका इसमें भी करंट 4 एम्पियर होगा, इसमें भी 4 एम्पियर ट्रेवल करेगा और आपका ऊपर भी 4 एम्पियर ट्रेवल करेगा, तो इससे फायदा क्या होगा, मुझे यहाँ से V1 मिल जाएगा, मुझे यहाँ से V5 मिलेगा, अब जो बचेगा वो मेरे बीच में काम आ जाएगा, इसलिए मैंने पहले ऊपर R1 और R5 निकाला ताकि बीच वाला क्लियर रहे, ठीक है। Yes, I got it. Thank you, sir. Okay. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 होगा और क्वेश्चन नंबर 28 का थर्ड पार्ट, और किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग बता सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 का 28 का थर्ड पार्ट, तो हमको बताना है यहां से और यहां के भी रेजिस्टेंस में कितना फर्क, क्या रेजिस्टेंस है, यहां से करंट ने फ्लो किया, यहां पर दो पार्ट में स्प्लिट हो गया तो सर्किट ऐसा बनेगा 7 ओम्स, यहां पर दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, यहां पर हमारा 2 ओम्स, यहां पर हमारा 10 ohms, ये करंट इधर फ्लो कर रहा है, ये करंट, इससे हमको करंट के डायरेक्शन पता होना चाहिए, अब ये करंट इससे फ्लो हुआ फिर आगे जाके दो पार्ट में फिर स्प्लिट हो गया, इसका मतलब यहाँ पर फिर से ऐसा स्प्लिट, ऐसा और ऐसा, तो जो स्प्लिट हुआ एक आया इधर 4 ohms में,
एक यहाँ पर आया, इसने सिर्फ टर्न किया, स्प्लिट नहीं हुआ है, या देखो यहाँ पर स्प्लिट नहीं, यहाँ पर टर्न है, यहाँ पर आया, यहाँ पर कितना था आपका 6 ओम, ये बाद में दोनों आके कंबाइन हो गए यहाँ पर, इसका मतलब दोनों यहाँ पर आके कंबाइन हो गए, ये कंबाइन हो गए कहाँ मिल रहा है 10 ओम के नेगेटिव पे मिल रहा है, तो ये आगे आएगा कहाँ पर मिलेगा 10 ओम के साथ ऐसा, ठीक है। और ये 10 ओम आपके क्या बन जाएगा बी, अब ये आपको सॉल्व करना, तो देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे 4 और 6 को, तो 1 upon RP = 1 upon 4 plus 1 upon 6 12 3 plus 2, तो हमारा RP इक्वल टू होगा 12 upon 5, मतलब 2.4 ohms। उसके बाद ये इसके साथ सीरीज में है, इसके साथ क्या है सीरीज में है, तो 2 plus 2.4 कितना हो गया 4.4 ohms, ठीक है। उसके बाद ये पूरा इसके साथ पैरेलल में है, तो 2 1 upon 4.4 plus 1 upon 10, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, चेक कर लेगा 1 upon 4 plus 1 upon 6 12 3 plus 2, तो 12 upon 5 और 2.4, ये भी करेक्ट है 2 plus 2.4 4.4। अब इस वाले पार्ट का निकालेंगे 1 upon RP, इसको हम ऐसे लेके जाएंगे, हाँ इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको ले गए 10 ऊपर 440, यहाँ पर आ जाएगा आपका 100, यहाँ पर आपका आ जाएगा 44 1 upon RP, तो 440 upon 144 RP, तो 444 को 144 से डिवाइड करेंगे, तो 440 / 144 ये आएगा 3.05 के आसपास, 3.05 ohms। अब ये किसके साथ में, इसके साथ सीरीज में है, तो +7, तो आपका आंसर आ जाएगा 10.05 ohms। अभी अंडरस्टूड? यस, अरे हमने आंसर लिखा है 10.05। अभी क्लियर भाई शुभम? यस सर, क्लियर। चलो ऐसे मेहनत करोगे सीखेगा बच्चा, करने की कोशिश कर, मैं तो देखो सारे यहाँ पर आपको समझा दूंगा, पर कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, 28 का 6th पार्ट, ये चलो देखो आ रही, अच्छा फिफ्थ है ना, सॉरी फिफ्थ है, आ रही दिस वन ना, नंबरिंग सेम है, ये भी फिफ्थ है आई थिंक, ये 6th है, आ रही दिस वन, यस। चलिए देखो ये कैसा है, पहले हम इन तीन सर्किट को सॉल्व करेंगे, ये तीनों किसमें पैरेलल में, अच्छा अच्छा वन सेकेंड चेक करते हैं, करंट का फ्लो चेक करते हैं, करंट यहां से इसमें गया, यहां से दो में स्प्लिट हुआ, ठीक है, यहां से इसमें जा रहा है और यहां पर इस दो में स्प्लिट हो रहा है, ओके, दो में स्प्लिट होके इसमें गया, ये यहां पर आया और इसको इसने कंबाइन किया, एक मिनट को, 15 दो में स्प्लिट, ये 15 और ये 15, उसके बाद दोनों इधर है, उसके बाद हाँ करंट इधर आया, सब वो दोनों एक ही जॉइंट कनेक्ट हो रहा है, तो वो वन लाइन कंसीडर करके आगे पैरेलल बना सकते हैं ना, मतलब वही देख रहा हूँ, अच्छा मैं जॉइंट्स पॉइंट यहाँ पर है ना, अच्छा मैं ये यहाँ पर दो पार्ट में स्प्लिट होगा, क्योंकि करंट यहाँ से डिवाइड, यहाँ से करंट डिवाइड हो चुका है,
अभी करंट आएगा कि इसमें फ्लो करके यहाँ से निकल लेगा और इसमें फ्लो होकर यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर ये फिर से स्प्लिट होगा, इसका मतलब यहाँ से समझने दो थोड़ा इसको सर्किट को, ये इधर नीचे सिस्टम तो यही कह रहा है कि ये दोनों यहाँ पर कनेक्ट हो गए हैं। क्योंकि करंट कैन फ्लो इन वन डायरेक्शन, दो डायरेक्शन फ्लो नहीं करता। ये बच्चा क्वेश्चन एक बार रीचेक करता हूँ, क्योंकि देखो ना यहाँ भी करंट, क्योंकि नॉर्मली करंट जब स्प्लिट होकर मिलेगा तो सेम करंट, ये यहाँ पर स्प्लिट हो गया, समझो यहाँ पर हमारा 2A करंट था, समझो यहाँ पर 1A चला गया, यहाँ पर 1A चला गया, अगर यहाँ पर 2A आया तो यहाँ भी 2A आना चाहिए, अगर यहाँ से 1A आ रहा है और यहाँ से 2A आ रहा है तो यहाँ पर करंट हो जाता 3A, जबकि पीछे से तो आपका यहाँ मान लो 4A। डाउट मेरा ये है, यहाँ से मान लो 4A करंट स्टार्ट हुआ, यहाँ तक 4A गया, यहाँ से स्प्लिट हुआ, 2A यहाँ पर चला गया, 2A यहाँ पर चला गया, अब जब यहाँ से स्प्लिट हो रहा है, हाँ इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, जो क्वेश्चन में एक बार देखता हूँ बैठ के, क्वेश्चन में मैं आपको बस समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ी क्या हो सकती है, क्योंकि जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कहाँ पर एक कनेक्ट हो रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मान लो यहाँ से, मैं इसमें कंफ्यूज क्यों रहा हूँ, यहाँ से 4A मान लो फ्लो कर, इसके थ्रू ही 4A फ्लो करेगा, पर इस जंक्शन पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, इसे समझो यहाँ से गया 2A, यहाँ से भी कितना जाएगा 2A, अब ये करंट यहाँ से 2A तो निकला, इसका मतलब इस जंक्शन पे कितना करंट है 2A, इसके थ्रू कितना फ्लो करेगा 2A, यहाँ से कितना आएगा 2A, यहाँ पर मुझे 4A बाहर आना चाहिए। अब जब यहाँ से बाहर आया, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे इस पॉइंट पे ये स्प्लिट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जाएगा 1A 1 एम्पियर, यहाँ से जाएगा 1 एम्पियर, यहाँ से आया 1 एम्पियर, तो ये 2 यहाँ पर स्प्लिट हो गया, यहाँ से आया 2, तो यहाँ पर बन जाएगा 3A, इस 3A में से यहाँ पर गया 1.5, यहाँ पर गया 1.5, यहाँ पर वो हो क्या 3A, अब हमको समझ में आ जाएगा, 1 सेकंड से स्क्रीन रुक गया है। स्क्रीन रुक गया था, 1 सेकंड, स्क्रीन फिर से स्टार्ट हो रहा है। अब स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। चलो गुड, ओके। अब देखो यहाँ से आया 2A, कहाँ तक है, सॉरी 1 सेकंड, यहाँ पर 2A था तो इसमें से जाएगा 1 एम्पियर, यहाँ पर आएगा 1 एम्पियर, इस 2 में से 1 एम्पियर यहाँ पर ट्रेवल करेगा, नहीं जिसको ट्राई करना ट्राई करो तो हो जाएगा,
टू एम्पियर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से आया है टू एम्पियर, यहाँ से आया वन एम्पियर, इसका मतलब इस जंक्शन पे कितना है, थ्री एम्पियर, इसके अंदर कितना जाएगा, 1.5 एम्पियर, इसमें से कितना जाएगा, 1.5 एम्पियर, यहाँ पर जंक्शन वापस कितना बन गया, 3 एम्पियर, यहाँ पर बना 3 एम्पियर, 1 एम्पियर। अब इसके बेस पे क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ से जब करंट जा रहा है, अब इसका मतलब यहाँ पर एक अलग बनेगा सर्किट ऐसा, जिसमें ये दो होंगे, करंट का फ्लो तो हम निकाल लेंगे, इन दोनों को कनेक्शन कैसे, सर उनका कनेक्शन नहीं बन पाएगा, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, मैं चेक करता हूँ इस क्वेश्चन को, कई बार क्वेश्चंस भी गलत होते हैं, हम फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को चेक करता हूँ, निकला तो आपको डेफिनेटली यू आर आपको बताऊँ, ठीक है, कुछ ना कुछ जंक्शन पॉइंट पे गड़बड़ है, क्योंकि करंट तो हमने सेम कर दिया, यहाँ भी 4 एम्पियर आउट हो रहा है, यहाँ से 4 एम्पियर इन हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है इस जंक्शन पे, क्या ये सेम ही जंक्शन ऐसा है क्या, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, ओके आर्या बच्चा, इसको मैं ट्राई करता हूँ, कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन इसके अलावा, कल का जो होमवर्क था सर 36 कल समझा था मेरे भाई, तुमने कल जाके होमवर्क ये शीट देखा नहीं क्या, सर देखा लेकिन वो नहीं समझा सर, डाउट है थोड़ा, क्या डाउट है बता, कहां पर किस जगह पे तुमको डाउट, सर वो फर्स्ट में सर, एक मिनट स्क्रॉल अप, ये 36 ही है सर, यस सर यही, क्या डाउट है तुमको, तो 1+1/10 हाँ तो पैरेलल सर्किट है सर, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/1+1/10 सर, तो उसके बाद रेसिप्रोकल भी होगा ना, हमने बाद में करेक्ट किया था ना, जिन्हें करेक्ट किया था तब पिछली बार, यस सर ये डाउट था सर, ये हमने कल जाते थे हमने सॉल्व किया था यहाँ पर लास्ट में, यस सर सर और थोड़ा डाउट रह गया था, नाउ अंडरस्टूड, यस सर, कैन यू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ओके क्वेश्चन नंबर 12, यस प्रार्थना बच्चा इसमें क्या डाउट है बताइए, ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टर्स टेक दिस मच करंट फ्रॉम ए 30 वोल्ट सप्लाई, इफ टू रेजिस्टेंस आर 10-12 फाइंड द थर्ड वन, देखो हमने कल क्वेश्चन नंबर 10 किया था, उसमें कैसा था, ये तीन रेजिस्टर्स आपके किसमें थे, सीरीज में थे, आपको वोल्टेज दिया था और आपको करंट दिया था, आपको एक्स का वैल्यू निकालना था, इस क्वेश्चन में कैसा है, आपके दो रजिस्टर्स आपको पता है, ठीक है, इट इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रजिस्टर्स, तो ये आपके तीन रजिस्टर हो गए, 10 ओम्स, 12 ओम्स और इसको हम ले लेते हैं एक्स, ओके ये एक्स हो गया, यहां पर सप्लाई कितना है 30 वोल्ट का, करंट कितना है 7.5 एम्पियर, उसने कहा ये एक्स निकालो, ठीक है, हमको पता इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वी अपॉन आई, 30/7.5 रफली कितना आएगा 25 75 25 1 50 12 4 के आसपास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 4 के आसपास, ठीक है, अब इक्वल रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल रेजिस्टेंस आपका, तो 1/R इक्विवेलेंट
इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 10 को हम 0.1 लिख सकते हैं ऐसा, प्लस 1 अपॉन 12 को कैसे लिखेंगे, 0.98 बचेगा 403 के आसपास समथिंग ऐसा, 0.83 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इन दोनों को यहां ले आओ, माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन 4 माइनस 0.1। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स करने बजाय सिंपल ही करते हैं, थोड़ा सिंपल रहेगा तो अच्छा रहेगा। 1 अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन एक्स। इन दोनों वैल्यूज को यहां ले आओ, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 12 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। एलसीएम नियरली कितना आएगा आपका, 60। ये आपका 15 माइनस 6 माइनस 5, तो 60 अपॉन ये होगा आपका 11 माइनस 15 4 अपॉन 1 अपॉन x, कैंसिल करेंगे 15, तो x का वैल्यू आ गया आपका 15, ठीक है भाई। Understood? आपका आंसर कितना आया था, ओके ठीक, आंसर करेक्ट आना चाहिए, वे आपको कोई भी हो सकता है। अच्छा 1.6, हाँ तो कहीं मिस्टेक हो। चलिए अभी कोई डाउट कल तक के क्वेश्चंस पे, फिर आज हम पावर्स, इलेक्ट्रिकल पावर कमर्शियल यूनिट पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर आपका चैप्टर आज यहाँ खत्म हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, रेजिस्टेंस के मुकाबले क्वेश्चन ज्यादा सिंपल होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको हमको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, पी वी आई आर, ये चारों यहाँ पर बार बार यूज होता है, ठीक है। वापस से फॉर्मूले पी इक्वल टू वी आई और वी इक्वल टू आई आर, ये दो मेन फॉर्मूले हैं, इनसे आपके बाकी सब फॉर्मूले ड्राइव होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल लगाना होता है, आंसर निकाल। एक टॉर्च बल्ब इज रेटेड एट वोल्टेज दिस, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या दिया है, वी वोल्टेज 2.5 वोल्ट, क्या दिया करंट आई इक्वल टू 750 मिली एम्पियर, इसको हमेशा एम्पियर में चेंज करेंगे, एम्पियर में कितना हो जाएगा, एम्पियर में कितना हो जाएगा 0.75 एम्पियर। क्या क्या निकालना है, पावर क्या निकालना है, रेजिस्टेंस क्या निकालना है, एनर्जी कंज्यूम, ठीक है। तो फर्स्ट पावर, सबसे पहले वाला फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई, तो P इक्वल टू वी इंटू आई, तो 2.5 इंटू 0.75, सिंपल है, कैलकुलेट करेंगे 2.5 इंटू 0.75 कितना आ गया आपका, P इक्वल टू 1.875 वॉट। अंडरस्टूड। सेकंड पार्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस, अब V पता है, I पता है, क्या निकालना है, R, आपका R इक्वल टू V अपॉन I, V कितना है 2.5 डिवाइड करेंगे इस बार, तो 2.5 डिवाइड बाय 0.75 आपका आ गया 3.33 ohms। थर्ड पार्ट, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड, हमको अब एनर्जी कंज्यूम निकालना, कितना, इफ बल्ब इज लाइटेड फॉर द 4 आवर्स, तो कल हमने क्वेश्चन किया था कितने बल्ब हैं, एक, पावर कितनी है उसकी 1.875, कितनी देर चलता है, 4 आवर्स के लिए चलता है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.875 into 4, 7.5 watt hour,
ठीक है 7.5 वोट अवर. हमने कल क्या पढ़ा था, 1 किलो वोट अवर इक्वल टू कितना होता है 3.6 × 10^6 जूल. ठीक है, अगर इसको वोट अवर में निकालें तो 1000 वोट अवर इक्वल टू 3.6 × 10^6 जूल. तो 1 वोट अवर इक्वल टू कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 1000, तो 3.6 × 10^6 डिवाइड बाय 1000. 3 3 0 कटेंगे ऊपर कितना बचेगा 3. तो 1 वोट अवर इक्वल टू 3.6 × 10^3 जूल्स. टोटल वोट अवर कितने हैं 7.5 आवर्स. तो टोटल एनर्जी इक्वल टू 7.5 × 3.6 × 10^3 जूल्स. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27.10^3 × 1000. तो हमारा टोटल आ जाएगा 27000 जूल्स. कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है. पी इक्वल टू वी आई, वी इक्वल टू आई आर, और आपको मैंने कल पावर कंजम्पशन. सर यू आर म्यूटेड. सर इज ऑन कॉल. अंडरस्टूड सबको, क्लियर? एक कॉल आ गया था बच्चे, ठीक है चलिए. लास्ट पार्ट कैन यू रिपीट बिकॉज ऑफ द नेटवर्क. पत्थर भाई ऐसे मत करो यार. देखो आपके बल्ब, हमको क्या निकालना, थर्ड पार्ट एनर्जी निकालनी है कि हमने एनर्जी कितनी कंज्यूम की. नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं 1, पावर कितना है 1.87, कितने घंटे चला 4 आवर, तो कितना हो गया 7.5 वोट अवर. कल हमने सीखा था 1 किलो वोट अवर इक्वल टू 3.6 × 10^6 जूल. तो 1 वोट अवर कितना हो गया 3.6 × 10^3 जूल. इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एनर्जी. तो दिस इंटू दिस इसको सॉल्व करेंगे तो 2700 जूल. अंडरस्टूड अभी अथर? चलो क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट विल द करंट, करंट कितना विड्रॉ करेगा, क्या एक बल्ब पी आपको दिया है, वोल्टेज आपको दी है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, करंट निकालना है. पी इक्वल टू वी आई, पी पता है वी पता है, क्या निकालेंगे आई. चलो फटाफट निकाल दो एक बार. 40 डिवाइड बाय 220. फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. यस 0.18 बार. चलिए गुड, बहुत इजी सिंपल, आपको डिवाइड करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. एन इलेक्ट्रिकल बल्ब, उसका आपको रेटिंग दिया है, वॉट दिया है. ओके ये क्वेश्चन आपको समझाने वाला है, ठीक है. आपको देखो क्या दिया, पी इक्वल टू 220, सॉरी वी इक्वल टू, वोल्टेज आपका कितना है 220 वॉट, पावर आपका कितना है 100 वॉट, ठीक है. उसने कहा अगर ये वोल्टेज कम हो जाए, ये हमारा V1 हो गया, ये हमारा P1 हो गया, अगर वोल्टेज मेरा कम हो जाए, आप लोग कई बार घर में देखते हैं जब वोल्टेज कम हो जाती है, तो अगर आपको पता करना है भाई क्या पावर कंजम्पशन भी कम होता है क्या, तो हमको P2 निकालना है, हमको P2 निकालना, ठीक है. क्वेश्चन समझे, एक बल्ब की रेटिंग क्या है 220 वोल्ट और 100 वोल्ट का बल्ब है, अगर आपकी वोल्टेज कम हो जाए तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा. तो इस क्वेश्चन में याद रखना हमेशा हमारा क्या कॉन्स्टेंट रहता है, बताइए इन चारों में कौन सा चीज कॉन्स्टेंट होता है, PVIR में, जो आपके हाथ में नहीं होता. यस R विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, इसलिए जो मैक्सिमम कैलकुलेशन होती है इन क्वेश्चन में R के ऊपर की जाती है. क्योंकि वोल्टेज कम हो सकता है, वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम हो जाएगा,
करंट कम होगा तो पावर भी कम हो जाएगी, बट आपका मशीन का रेजिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता। तो इन क्वेश्चन में क्या ये आ रहा है, यहाँ पर आर निकाला जाता है, आर तो आर वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा था अभी, पी इक्वल टू वी आई है ना, और आई का यहाँ कोई काम नहीं है, तो पी इक्वल टू वी इंटू वी अपॉन आर। तो हमारा फॉर्मूला बनाते हैं, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो हमारा आर वन कैसे निकलेगा, वी वन स्क्वायर अपॉन पी वन, वी वन स्क्वायर कितना है 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 100, जीरो जीरो कैंसिल कर दो, तो 22 इंटू 22 इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये आपका ओम्स। तो जब पावर कम हो गई, जब यहां से पावर कम हो गई इतनी, तो रेजिस्टेंस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। इसका मतलब आर टू, जब हम पी टू निकाल लेंगे, पी टू विल बी वी टू स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि आर विल रिमेन सेम। तो वी हमारा अभी वी टू कितना है 110 इंटू 110, नीचे रेजिस्टेंस कितना है 22 इंटू 22, कट करेंगे 5, कट करेंगे 5, कितना आ गया 25 वॉट। हमारा P2 की वैल्यू आ गई 25 वॉट। तो देखो इसका मतलब, जब हमारी वोल्टेज हाफ हो जाती है, वोल्टेज कितनी हो गई हाफ हो गई, तो हमारा पावर कंजम्पशन 1/4 कम हो जाता है। समझे क्वेश्चन का लॉजिक, मतलब ये इस क्वेश्चन में अगर आपकी वोल्टेज हाफ हो गई, आपकी पावर 1/4 हो गई। तो याद रखना इन क्वेश्चंस में आर बहुत जरूरी होता निकालने, अंडरस्टूड। इसको आई, ये इस क्वेश्चन को आई के रिलेशन से सॉल्व नहीं करते, जो कांस्टेंट होता है उसके रिलेशन में सॉल्व किया जाता है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन भी लगभग ऐसा है, अगला क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा जाता है या स्कूल में पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। धीरे धीरे आप पूरा इलेक्ट्रिसिटी समझ जाओगे कि इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है। चलो क्वेश्चन में क्या दिया, देखो ए 6 वॉट 12 वॉट लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद सम वोल्टेज सप्लाई दिस, ठीक है। अभी देखो जो आपका एक लैंप है, ये लैंप का रेटिंग दिया है, ये क्या दिया लैंप, मैंने को ना हर मैन्युफैक्चर क्या करता है उसका रेटिंग स्पेसिफिकली बताता है, इसका रेटिंग कितना है। तो इसका रेटिंग कितना है 6 वोल्ट एंड 12 वॉट, ये 6 वोल्ट वोल्टेज पर चलता है और ये 12 वोल्ट कंज्यूम करता है, ठीक है। अगर मैं इसको 12 वोल्ट पे कनेक्ट कर दूं तो अगर पटाखा फूट जाएगा, है ना। अगर मैंने इसको हाइयर वोल्टेज पे सप्लाई डबल एकदम मैंने डबल वोल्टेज कर दिया तो अगर इसका पटाखा फूट जाएगा। अब वो कहता है अगर मुझे इसको 12 वोल्ट पे कनेक्ट करना है, भाई मेरे को करना ही करना, भाई मेरे पास कोई चारा नहीं है, मेरे को इसको करना ही पड़ेगा। तो वो क्या बोलता है, बताए हम क्या करें कि ये प्रॉपर वर्किंग करे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपकी लाइफ में आता है कि आपका कोई इंस्ट्रूमेंट 6 वोल्ट पे चलता है और आपको उसको 12 वोल्ट पे लगाना पड़े, तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपको जब वोल्टेज बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, करंट बढ़ता है। वोल्टेज बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, करंट बढ़ता है। जब करंट बढ़ता है तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा पैदा होता है। अब आई को कौन कम कर सकता है, आई को कम कौन करता है, यस आई को कम करता है रेजिस्टेंस। अगर हम सिस्टम में ज्यादा रेजिस्टेंस लगा देंगे तो क्या होगा, आई का वैल्यू कम हो जाएगा। अच्छा रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे पैरेलल में लगाएंगे, बताइए। अगर मुझे करंट कम करना है तो रेजिस्टेंस सीरीज में लगेगा पैरेलल में लगेगा, यस पैरेलल में लगेगा। एकदम आप लोग एकदम सही सीख गए चीजें, तो समझो आपका ये बल्ब लगा हुआ है, अब आप लोग इंटेलिजेंट हो गए आप लोग।
पैरेलल, ये पैरेलल कौन कह रहा है? पहले वाले मेरे से पिटाई खाएंगे, सीरीज में लगेगा, किसमें लगेगा? सीरीज में लगेगा। अरे लॉजिक भी सोचो ना, सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। हमको क्या करना है, हमको करंट कम करना है। क्यों कम करना है? पीछे से सप्लाई ज्यादा आ रहा है। लॉजिकली सोचो ना, लॉजिकली आपका पहले आपको इसका वोल्टेज कितना चाहिए? 6 वोल्ट। पीछे से कितना सप्लाई आ गया? 12 वोल्ट। करंट क्या हो गया? डबल हो गया। करंट क्या हो गया? डबल हो गया। करंट को क्या करना है? कम करना है। रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कब बढ़ता है? जब आप सीरीज में लगाते हो। हमने ये तो पढ़ा था, सीरीज में आपका रेजिस्टेंस हाई होता है, पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस डाउन जाता है। सबने भेड़ चाल में क्या देखा, एक ने पैरेलल बोला और मैंने हाँ बोल दिया, सबने पैरेलल 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 कॉपी पेस्ट कर दी। आप समझ में आया लॉजिक? सीरीज में लगाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पैरेलल में लगाएंगे रेजिस्टेंस कम होगा। ये बातें भूलो मत, इसका मतलब पीछे जो पढ़ाया था भूल गए हो, ऐसा कभी भी मत करो। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लॉजिक वही लगता है ना, जो साइंस होती है पढ़ाई वो लॉजिक ही होता है। ये ऐसा तुक्का वाली चीज नहीं होती, मैंने अटट्टा मारा यहाँ इसमें तो सीरीज में लगाएंगे, नहीं सीरीज में पैरेलल में, नहीं लॉजिकली सोचने का। तो आपका एक बल्ब लगा है, मान लो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये आपकी सप्लाई में लगा था 6 वोल्ट में, ये आपका 6 वोल्ट सप्लाई है और इसका रेटिंग था 12 वोल्ट। अब क्या हुआ, मैंने इसकी सप्लाई बढ़ा दी, इसकी सप्लाई मैंने बढ़ा दी, अब ये मैंने कर दिया 12 वोल्ट। ये रहेगा तो कितना? 12 वोल्ट। ठीक है, अब हमको देखो क्या फर्क पड़ेगा। जब आपका वोल्टेज इंक्रीज हो गया, जब आपका वोल्टेज इंक्रीज होगा तो आपका करंट भी इंक्रीज होगा। हमको सबसे पहले यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। भाई इस मशीन के लिए, इस इंस्ट्रूमेंट के लिए आइडियल करंट कितना है, आइडियल करंट कितना है, मैन्युफैक्चर ने कितना करंट बोला, भाई इसमें से इतना ही करंट जाना चाहिए, उसके ऊपर करंट नहीं जाना चाहिए। हम क्या निकालेंगे, पी इक्वल टू वी आई, यहां से आई निकलेगा, पी कितना है 12, वी कितना है 6 इंटू आई, तो आई कितना आ गया 2 एम्पियर। मतलब अगर ये इंस्ट्रूमेंट सही चलेगा तो भाई मैं ये 2 एम्पियर से ऊपर करंट में नहीं दे सकता सिस्टम में। अगर मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया तो जो 2 एम्पियर करंट था कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर, वो बल्ब को फोड़ देगा। तो जब मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इस वोल्ट के साथ में, ये बल्ब के साथ में क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा रजिस्टर ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्टर ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे ऐड होता है ऐसा, ये आपका बल्ब तो है ही है, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा रजिस्टर लगा दिया। जब कहने का मतलब है मैंने साथ में एक बल्ब और लगा दिया। ठीक है, अभी देखो इसका रेजिस्टेंस क्या है आर, इस बल्ब का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि जो बल्ब होता है रेजिस्टर ही होता है, इसको मैंने ले लिया स्मॉल आर। अब ये कितना है 12 वोल्ट, बट मेरे को सप्लाई कितना करना है, मुझे 2 एम्पियर ही सप्लाई करना है ना, क्योंकि जब 2 एम्पियर इसके थ्रू जाएगा बल्ब के थ्रू तभी तो बल्ब काम करेगा। अगर 2 एम्पियर से ऊपर करूंगा तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो ये मैं आर क्या करता हूँ, सीरीज में जोड़ देता हूँ। ठीक है, यस, अब हम इसका आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी देखो इस सर्किट में हमारा टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 12 वोल्ट अपॉन 2 एम्पियर, 6 ओम। ये 6 ओम इस पूरे सर्किट का होना चाहिए, याद रखना। ये टोटल रेजिस्टेंस का होना चाहिए हमेशा याद रखें। ठीक है ना, ये 6 ओम आया ना बच्चा लोग, ये क्या चीज है, ये इन दोनों को मिला के है। दिस 6 ओम विल बी आर प्लस आर, हमेशा याद रखना। इस पूरे सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 6 ओम होना चाहिए। ठीक है, अभी आर में निकाल सकता हूँ, ये स्मॉल आर है ना, हम निकाल सकते हैं कैसे, आर इक्वल टू, अभी हमने क्या पढ़ा था, वी स्क्वायर अपॉन पी, हमने क्या पढ़ा था अभी, वी स्क्वायर अपॉन पी। अब यहाँ पर हमको क्या पता है, ये 6 वोल्ट का था, इसकी वोल्ट कितनी थी 12 वोल्ट, तो यहाँ से मैं आर निकालूंगी पहले। तो आर इक्वल टू वी कितना है, 6 × 6 नीचे पावर 12, 1 × 2 × 2 × 3। इसका मतलब जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, सॉरी
ये स्मॉल आर है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम, तो 6 ओम इक्वल टू 3 प्लस आर, तो आपका आर का वैल्यू आ जाएगा 3 ओम। देखो ये आपका आंसर आ गया। तो ये जो पहले था, ये जो आर था, ये कितना था 3 ओम था, तो आपको एक एडिशनली एक रेजिस्टेंस और लगाना पड़ेगा जो 3 ओम का होगा। इसका मतलब क्या कर सकते हो, आपने एक बल्ब लगाया ना, आप यहाँ पर एक बल्ब और लगा दो ऐसा सीरीज में, तो अगर आपकी वोल्टेज बढ़ भी गई, आपके दोनों बल्ब सही काम करेंगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ, ये साइंस है, इसको साइंस कहा जाता है, जहां पर आप लॉजिकली सोचते हो भाई अगर वोल्टेज बढ़ी है तो मैं घर में क्या बंदोबस्त करके रखना चाहिए, अगर फ्यूज नहीं लगा तो क्या करना चाहिए, है ना। आपको ऐसे साइंस आपको अल्टरनेट सोचने का पूरा मौका देती है। सबको क्वेश्चन एकदम क्लियर, किसी को डाउट हो तो प्लीज अभी पूछ सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला तो लगाना है, फॉर्मूले तो देखो भाई P इक्वल टू वी आई, है ना, वी इक्वल टू आई आर, उसको यूज कैसे करना है वो भी आपको लॉजिकली समझना जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सर अगर हम आई बढ़ा सकते हो तो, अरे आई बढ़ाएंगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा ना बच्चा, आप 6 वोल्ट सप्लाई दे रहे थे, 6 वोल्ट उसको चाहिए था, आपने जब वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बल्ब आपने करंट बढ़ा दिया ना, आप करंट बढ़ा दोगे आपका बल्ब पटाखा मार जाएगा, फूट जाएगा, इसलिए हम आई को नहीं बढ़ाना, हमको रेजिस्टेंस को बढ़ाना। करंट को कौन कंट्रोल करता है सर, अगर हम पैरेलल में लगा देंगे तो, अगर आप पैरेलल में लगा दोगे तो इस सिस्टम में ज्यादा करंट फ्लो करेगा, क्योंकि आपका टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। देखो 1/RP इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3, तो 1/RP 2/3, मतलब RP इक्वल टू 1.5 नियरली, है ना 1.5। अब यहाँ पर आपका करंट कितना फ्लो करेगा, देखो पीछे से वोल्टेज कितनी आई 12 वोल्ट डिवाइड बाय 1.5, लगभग कितना आया 8 एम्पियर। अगर आपने पैरेलल में लगा दिया, चाहिए कितना था 2 एम्पियर, कितना फ्लो करेगा 8 एम्पियर, अच्छा खासा पटाखा बजेगा। अंडरस्टूड, इसे पैरेलल नहीं लगाना, क्या लगाएंगे सीरीज में लगाएंगे। हाँ लॉजिक समझे ना, लॉजिक क्या कहता है, इसलिए सीरीज और पैरेलल इतना काम करता है। चलो गुड, आगे चले अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको कभी चेक करना है कि दो बल्ब जल रहे हैं दोनों में कौन पावर कंज्यूम करता है, आप घर बैठे कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 वैसे ही है, दो बल्ब हैं ए और बी, ठीक है दो बल्ब हैं ए और बी, ये बल्ब ए का रेटिंग है, तुम्हारा P1 इक्वल टू 100 वॉट, B1 इक्वल टू 120 वॉट, ये दूसरा बल्ब है P2, ये 10 वॉट का है, छोटी वोल्ट का, और वोल्टेज 2 ये भी 120 के लिए रेटेड है, ठीक है ना। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड अक्रॉस 120 वोल्ट सप्लाई इन सीरीज, हमने दोनों को एक साथ सीरीज में लगा दिया, ओके विच विल कंज्यूम मोर एनर्जी, बताओ सोच के, आंसर देख के मत बताना, सोच के बताओ। मैंने यहां पर एक बल्ब लगा दिया, सर करंट कौन से डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, करंट किसी में फ्लो से फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका सर्किट है, ये आपका 120 वोल्ट है, ये आपका पावर है 100 वोल्ट, ये आपका दूसरा पावर है 10 वोल्ट, ठीक है, यहाँ से करंट में फ्लो करना स्टार्ट किया, तो बताना है किस में एनर्जी, कौन सा ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो एनर्जी कंजप्शन कैसे निकालते हैं, है ना, एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, H इक्वल टू I² RT, इसी को हम E भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी I² RT। अब यहाँ पर टाइम का कोई काम नहीं है, है ना, यहाँ पर टाइम का कोई काम नहीं है, तो इस T को हम इग्नोर करेंगे, तो हमको क्या क्या निकालना है, I निकालना है और R निकालना है, ठीक है, हमको क्या निकालना है, I निकालना है और R निकालना है, ठीक है। अब पहले हम फर्स्ट वाले इसका रेजिस्टेंस निकालें, बताइए R1 क्या होगा, V1² upon P1, ठीक है, हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे पहले R1, इसका रेजिस्टेंस कितना है R2,
आर वन इक्वल टू वी वन कितना है 120 × 120/100 20 कट गई आपका आर वन आ गया 144 ओम्स। आंसर देख के मत बताना, सोल्व करके बताना ठीक है, आंसर गिवन है देखो। पर ईमानदारी से आपको समझना है कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको पहले रेजिस्टेंस निकालना जरूरी है, दोनों कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे ठीक है। चलो आर टू निकालेंगे, ऐसे आर टू इक्वल टू वी वन स्क्वायर अपॉन वी डी, तो जीरो से जीरो कैंसिल, आपका आर टू आ गया 1440 ओम्स। ठीक है, तो हमारे देखो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, ये याद रखना दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। अभी हमको क्या निकालना है आई, ठीक है हमको क्या निकालना है आई। अब बताओ सीरीज सर्किट है, कौन सा सर्किट है सीरीज सर्किट है, एग्री कौन सा सर्किट है सीरीज, करंट सेम होता है डिवाइड होता है, वापिस वही क्वेश्चन, सीरीज सर्किट में करंट सेम होगा डिवाइड होगा, आपको लॉजिक याद रखना है हमेशा, अंडरस्टूड। हाँ आपका करंट सेम फ्लो होगा, तो यहां से जितना आई जाएगा यहां पर भी उतना ही आई रहेगा, यहां पर भी उतना ही आई रहेगा, अंडरस्टूड। अब लॉजिकली है, अब जिसका भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा पावर कौन कंज्यूम करेगा, वही ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, लॉजिकली समझोगे ना। एच इक्वल टू क्या है आई स्क्वायर आर, इसका मतलब एच किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, इसका मतलब हमारा जो सेकंड वाला बल्ब है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। बल्ब है छोटा सा, कितने वोट का है 10 वोट का है, कितने वोट का 10 वोट का, दूसरा बल्ब कितने वोट का है 100 वोट का। देखो दोनों को सेम सप्लाई पर लगाया, पर गलती क्या कर दी हमने, गलती ये कर दी हमने दोनों को किस में लगा दिया सेम सीरीज सर्किट में लगा दिया, हमने क्या कर दिया उसको सीरीज सर्किट में लगा दिया, सीरीज में लगाने से क्या हुआ रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, अंडरस्टूड। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, अगर आपका करंट सेम है तो ठीक है। बाकी देखो उसने सब कुछ निकाला है, उसने फिर आई निकाला, आपको दोनों का क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले। अगर वो पूछे हाउ मच, अगर वो पूछे यहाँ पे लिखा ना हु विल कंज्यूम मोर एनर्जी, तो हु विल कंज्यूम, मैं डायरेक्टली बोलूंगा भाई सेकंड वाला ज्यादा कंज्यूम करेगा, और बोले हाउ मच, अगर हाउ मच निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको पहले आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा ठीक है, तो 1440 और 144 तो 1584 टोटल रेजिस्टेंस आ गया। फिर हम क्या निकालेंगे आई निकालेंगे बी अपॉन आर 1584 डिवाइड बाय आर मतलब 120 अपॉन 1584, इससे हमको क्या मिलेगा आई मिलेगा। फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखो उन्होंने वही निकाला आई, फिर आपने कंजम्पशन निकाला, एक का कंजम्पशन इतना एक का कंजम्पशन इतना, हमने विदाउट कैलकुलेशन ही बता दिया भाई ये जिसका रेजिस्टेंस कम है वो करेंट जा, इसलिए कभी भी हम घरों में देखो इसलिए हम घरों में अलग अलग पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं, ये भी आपको लॉजिक है, इसलिए हम घरों में क्या करते हैं कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं, इससे क्या होगा जो आपका 10 वोल्ट का बल्ब है जो अलग सर्किट में लगेगा पैरेलल सर्किट में लगेगा वो अपने अनुसार ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। इसका मतलब अगर घर में आपने सब कुछ सीरीज में लगा दिया, सब कुछ क्या कर दिया सीरीज में लगा दिया, आपका बिल हजारों में आएगा, लाखों में भी आ सकता है, क्योंकि आपका एनर्जी कंजम्पशन बढ़ गया ना। देखो 10 वोल्ट का बल्ब आपका कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, देखो अंडरस्टूड। चलो अब मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, सबको आया लॉजिक समझ में, अंडरस्टूड सबको। इसलिए हमारे घरों में पैरेलल सर्किट यूज होता है, सीरीज सर्किट नहीं होता। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बच्चा। सर हाउ डज मोर रेजिस्टेंस मींस मोर एनर्जी कंज्यूम्ड, आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे बच्चा, केवल इसी क्वेश्चन की,
क्योंकि हमारा देखो H इक्वल टू क्या होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये मैंने एक्चुअली आपको रिलेशन किसका दिया है, जब आपका आई सेम है तो, अगर आपका आई सेम है तो यहाँ पर देखो दोनों में आपका आई सेम फ्लो करेगा ना, सीरीज सर्किट है ना, इसमें से भी सेम करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से भी सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होती है आई स्क्वायर आर। आपका बल्ब वन में भी सेम एनर्जी कितना होगा आई स्क्वायर आर, बल्ब टू में भी आई स्क्वायर आर। अब इसका आई सेम है तो हमारा एच एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा कि टेन वोल्ट का बल्ब 100 वोल्ट के मुकाबले ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा इस क्वेश्चन में दोनों में से करंट सेम फ्लो कर रहा है क्योंकि दोनों सीरीज सर्किट में लगे, अगर दोनों पैरेलल में लगे होते तब तो 100 वोल्ट का आपका ज्यादा कंज्यूम करता। आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन ये है, ठीक है बच्चा? ओके सर। यस चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अब ये आपके कमर्शियल यूनिट के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन होगा तरह के, तो इसी के बेस पे आपके सारे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक रेडियो सेट है 60 वोल्ट का, 50 आवर्स चलना है, बताना है कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो कितने इंस्ट्रूमेंट है, वन पी कितना है 60 वोल्ट, टाइम कितना है 50 आवर्स, कितना हो गया आपका सिंपल 3000 वोल्ट आवर, मतलब 3 किलो वोल्ट आवर, मतलब 3 यूनिट, एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 23, एक करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो थ्रू ए 12 वोल्ट कार हेडलाइट फॉर 10 मिनट्स, ठीक है, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर ड्यूरिंग दिस टाइम, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई। तो हमको देखो यहाँ पर एम्पियर दिया है और वी दिया है, मतलब हमको पावर निकालनी है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है वी आई, तो वी कितना है 12, आई कितना है 4, मतलब 48 वोल्ट का बल्ब है वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट कितने 1 इंटू 48, टाइम कितना है 10 मिनट, तो 10 डिवाइड बाय 60 8 हुआ, आपका आ गया 8 वॉट आवर, मतलब 0.008 वॉट आवर, मतलब 0.008। दोनों क्वेश्चन अंडरस्टूड आपको, तो आपको डायरेक्ट पावर दिया है तो भी आप निकाल सकते हो, आपको वोल्टेज और एम्पियर दिया है उससे पावर कैलकुलेट करते हो। चलिए अब मेरे को 24 क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए फटाफट से, बोलते कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय ए 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट्स। इस बार आपको करंट दिया है और रजिस्टर दिया है, तो इन दोनों को यूज करके हमको पावर निकालना है। चलिए सॉल्व करके बताइए सब लोग, आपका आंसर तो सामने लिखा है तो आप लोग सॉल्व कीजिए। मैं देखता हूँ चैट बॉक्स पे कोई 10-12 बच्चे हैं जो रेगुलर रिप्लाई करते हैं, तो बाकी एकदम ऐसे शांति से बैठते थे, उनसे नहीं पूछा जाता, बाकी सबसे पूछा जाता है ना, सर ने बस इन 12-15 को पढ़ाने का वो लिया है कॉन्ट्रैक्ट, बाकी सब आराम से वो वीडियो ऑफ करके बैठते हैं, उनकी आवाज भी कोई सुनाई नहीं देती है, सबका रिप्लाई चुनो ये ग्रुप पे। अभी 50 के 50 बच्चे हैं, 50 रिप्लाई आने चाहिए। देखिए धोखा दोगे आप लोग अपने आप को दोगे, जो बच्चे अभी भी सिर्फ ऑफ ऑफ करके कहीं आराम से टाइम पास कर रहे हैं, गूगल छाप रहे हैं, ठीक है ना, आप धोखा अपने आप को दोगे, किसी और को धोखा नहीं दोगे, ये बात याद रखिएगा। आज आप ऐसे धोखाधड़ी करोगे, कल तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो तुमसे ऐसी धोखाधड़ी करेंगे, क्योंकि जीन ट्रांसफर होती है ना, हमने पढ़ा है 9th क्लास में, जब न्यूक्लियस को पढ़ते हैं हमारे जो जीन्स होते हैं हमारे बच्चों में ट्रांसफर होती है। तो अगर आज हमें बेईमानी का गुण आ गया है ना, आज हमें मक्कारी का गुण आ गया है कि हम टीचर को बेवकूफ़ बनाएंगे, वीडियो ऑफ करके टाइम पास करेंगे, हम रिप्लाई नहीं करेंगे,
तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे बच्चों में गुण नहीं आएगा, तुम्हारे बच्चों में भी सेम गुण आएगा। पहले आप लोग अच्छे रहोगे तो तुमको अच्छे बच्चे मिलेंगे, आज तुम माता पिता की सेवा करोगे कल तुमको वैसे बच्चे मिलेंगे तुम्हारी माता पिता की सेवा करेंगे, नहीं तो फ्यूचर आपका है। इसलिए अगर आपको अपने फ्यूचर को अच्छा करना है तो आज अपना आज सुधारिए, ये बहुत जरूरी होता है, एकदम लॉजिकल है ना। साइंस भी कहती है जीन्स ट्रांसफर होते हैं, तो आप में आज मक्कारी है तो उनमें मक्कारी क्यों नहीं होगी, उनमें मक्कारी आपसे ज्यादा होगी, तो उसमें आपकी मक्कारी के साथ साथ में आपकी माँ की आपकी बीवी के मक्कारी के गुण भी आएंगे, तो वो भी तो आपकी तरह होगी ना, जो आपकी तरह बैठ के पढ़ाई कर रही है इस लॉकडाउन टाइम में, वो डेडली कॉम्बिनेशन होगा। आप तो केवल एक्स हो तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स आपको वैरायटी मिलेगा। जैसे वायरस ने जो फर्स्ट फेज में जो वायरस आया था वो इतना खतरनाक नहीं था, पर जब आया वो म्यूटेट होकर खतरनाक होता गया। तो समझो आपकी जनरेशन जो आएगी आपके बाद वाली जनरेशन वो म्यूटेशन करके आएगी तो कितना अमेजिंग आएगी। इसलिए अगर आपको बचना है तो अपना रेजिस्टेंस कम कर लो, इसलिए आपको सामने वाला मिलेगा कम रेजिस्टेंस वाला, तो बच्चे भी कम रेजिस्टेंस वाले पैदा होंगे, तो करंट प्रॉपरली फ्लो करेगा, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। ओके चले गुड, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको क्या निकालना था, आर निकालना था पहले, आपको आई दिया है 5 एम्पियर, आपको आर दिया है 2 एम्पियर, 2 ओम्स मतलब आपका पी इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, और पी इक्वल टू होता है आई स्क्वायर अपॉन आर, तो 5 इंटू 5 अपॉन 2 मतलब आपका समथिंग 12.5 वॉट, 1 इंटू 12.5 इंटू 30 मिनट मतलब 30 अपॉन 60, तो समझिए आपका 0.025 किलोवाट आवर आपका आ जाएगा। चलिए गुड, चलिए कुछ क्वेश्चन और भी हैं, और ये कई सारे क्वेश्चन हैं। अब मैं आपको फटाफट बताता हूँ ताकि आप जल्दी अब सीख जाओगे फटाफट, जो इम्पोर्टेंट होगा आपको करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको देखो पी दिया है, आपको टाइम दिया है, आप आराम से निकाल सकते हो, 1 × 350 × × 10 आपको कितने दिन के लिए निकालना है, 30 डेज के लिए निकालना, तो इंटू 30 सिंगल लाइन में आंसर देखो 25th क्वेश्चन का। 25th फ्रिज कितना है, 1, पावर कितनी है 350, एक दिन में कितना चलता है 10 आवर्स, कितने महीने में कितने दिन चलता है 30 डेज, तो आपका यहाँ से क्या निकलेगा, वॉट आवर्स डिवाइड बाय 1000, क्या निकलेगा किलो वॉट आवर्स, 1 किलो की यूनिट कितनी है 3.4, सिंपल इंटू 3.4 आपका आंसर आ जाएगा 357। तो केवल फ्रिज हमारा 10 घंटे चले तो भी कितना लाइट कंज्यूम करते थे, 350 रुपये। वाई डिड यू मल्टीप्लाई 30%। अच्छा बेटा ये मिनट्स में है ना, आपको टाइम किस में दिया था, मिनट्स में दिया था ना, और हमारी यूनिट किस में आती है, आवर में आती है, तो मिनट को हम आवर से डिवाइड करेंगे। ये टाइम है ना आपका, दिस इज योर डब्ल्यू, दिस इज योर टाइम, गॉट इट। चलो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, आपको वी दिया है डब्ल्यू दिया है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर ऐसे 5 बल्ब हो जो 4 घंटे चले तो उनका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना होगा, तो सिंपल 5 बल्ब है, 5 इंटू कितने बल्ब है 100 वॉट है ना, कितने बल्ब है 5, पावर कितनी कंज्यूम करते हैं 100 वॉट, ओके कितनी देर के लिए चल रहे हैं 4 आवर के लिए, तो वॉट आवर आपको मिलेगा, आपको पर यूनिट का कॉस्ट दिया है, बहुत इजी है, आराम से निकल जाएगा, अंडरस्टूड, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये क्वेश्चन आप खुद सब ट्राई करोगे, ठीक है, और आपको हॉलीडेज के लिए मैं आपको होमवर्क दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी जो बुकलेट आपको मिली है या जो शीट मैं आपको भेजूंगा वापस, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर 100 न्यूमेरिकल्स है, आपको डेली 10 न्यूमेरिकल्स नहीं छुट्टी है ना, ओके डेली 20 न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, मैं आपको डेली होमवर्क भेजता रहूंगा, आज ये वाले 20 आज ये वाले 20, आपको इलेक्ट्रिसिटी के सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने छुट्टियों में, नहीं मेरे लिए हॉलीडे, आपके लिए हॉलीडे नहीं है, यू हैव टू डू सम होमवर्क आल्सो, होमवर्क आपको कंटिन्यूस मिलेगा, चिंता मत करो डॉक्टर के लिए। एन इलेक्ट्रिकल हीटर ड्रॉ ए करेंट ऑफ 10 एम्पियर
वोल्टेज इतना, आई दिया है 10 एम्पियर, वी दिया है 220 एम्पियर, मैथ की क्लास तो मतलब साइंस की क्लास तो नहीं होगी, अगर आप नेक्स्ट टाइम लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, मैं दो वीक थोड़ा रेस्ट करूंगी, ठीक है। आपको क्या निकालना, पावर कंजम्पशन 5 आवर्स के लिए 30 डेज, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पी इक्वल टू वी आई मतलब 2200 वॉट, एक इंस्ट्रूमेंट है कितना सप्लाई करना है 2200 इंटू 5 आवर्स, कितनी देर के लिए 30 डेज के लिए, कितना रेट है 5.2। तो मैंने कहा भाई, आर्यन भाई, मैंने ये कहा कि मैं साइंस का क्लास दो वीक नहीं लूंगा, अवनीश सर अगर लेना चाहेंगे ले सकते हैं, ठीक है, बट मैं आपको डेली होमवर्क देता रहूंगा, तुमको होमवर्क की कमी नहीं आने दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। लाइव प्रोसेस आपका हो चुका, अभी आपको इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल दबा के हैं, आपको डेली 20 न्यूमेरिकल करने होंगे, चिंता मत करो, होमवर्क की कोई कमी नहीं आपके पास। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट, तो आपको वी दिया है 250, सप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टेंस आर दिया है 500 ओम्स, कैलकुलेट द करेंट, आराम से निकलेगा आई इक्वल टू बी अपॉन, फाइंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन जूल इन 10 सेकेंड। हम हीट एनर्जी कैसे निकालते थे, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई यहां से निकल जाएगा, आर हमको पता है, टाइम हमको दिया है 10 सेकेंड, तो ये आंसर कितना आएगा, जूल्स में आएगा। अंडरस्टूड, हो जाएगा आराम से, एकदम इजी है, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है, तो फिजिक्स में सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड ही आता है, इतना डिफिकल्ट नहीं आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस, सेम चीज, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, व्हेन दिस कूलम ऑफ चार्ज, इस वाला हमको क्यू दे दिया है 9600 कूलम, ट्रांसफर्ड इन 1 आवर, आपको टाइम दिया है 1 आवर, है ना, तो मतलब 3600 सेकेंड, बताइए इसको यूज करके क्या निकालेंगे, आपको क्यू दिया है और टाइम दिया, यहाँ से क्या निकलेगा, ये क्यों दिया डाटा, सर आई निकलेगा, यस एकदम करेक्ट बात, यस आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसलिए हमेशा डाटा लिखोगे ना आपको समझ में आएगा, हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्यू दिया था टी दिया था, तो आई निकालना है क्योंकि हमको क्या निकालना है, एच निकालना है, और आपको क्या दिया है, वोल्टेज दिया है, वी आपको दिया है 50 वोल्ट, हमको क्या निकालना है, आर, यहाँ से आपका निकलेगा आई, वी आपको दिया है, तो आपका यहाँ से क्या निकलेगा, आर, आई मिल गया, आर मिल गया, टाइम दिया है, यस 1 आवर का आपको टाइम दिया हुआ, तो आपको टी भी मिल गया, आपका क्या निकलेगा, एनर्जी निकल जाएगा। अंडरस्टूड ये वाला क्वेश्चन, एकदम इजी है, सारी क्वेश्चन इजी, अगर आपको लॉजिक समझ में आएगा फिजिक्स के, तो आपको हर चीज इजी लगेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन बोथ द केस। लो जी अभी देखो उन्होंने क्या किया, ये समझिएगा आपका वायर है टू कंडक्टिंग मेटल सेम, इसका मतलब क्या है, देखो दो वायर हैं जिसका सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, सेम डायमीटर है, इसका मतलब ऐसा है, एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस दोनों कनेक्टेड हैं, ऐसा उसने कहा, पहले इनको सीरीज में कनेक्ट कर दो, फिर इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हीट प्रोड्यूस, उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी हमको निकालना, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक ये है, ठीक है। ये मान लो यहाँ पर वोल्टेज कितना है V, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है R1, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है R। अब हीट प्रोड्यूस के लिए क्या क्या निकालना होता है, हमको क्या क्या चाहिए, आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पर टी का कोई काम नहीं है, ठीक है, हमको सिर्फ ये निकालना है आई और आर, ठीक है जी। तो एक फर्स्ट केस कौन सा है, जब सीरीज में लगेंगे, तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू, और दोनों आर वन इक्वल टू आर टू दोनों सेम है,
इसका मतलब आर, आपका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, टू यस एकदम सही, आपका दोनों सीरीज में लगेंगे तो आपका आर इक्वल टू टू आर। अब इस केस में करंट कितना हो जाएगा, हमको करंट निकालना पड़ेगा, तो आई इक्वल टू वी अपॉन टू आर, ये हमारा आई आ जाएगा, ठीक है, आई इक्वल टू वी अपॉन टू आर, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में दोनों किसमें लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं, ऐसा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे यहां पर, तो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, यस आर ये निकाल लिए हैं, वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर, नीचे आर ऊपर टू, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाय टू, है ना, आर बाय टू ये हो जाएगा। आर ये चेक करो, आर बाय टू आएगा बच्चा, देखो नीचे एलसीएम आर आएगा ना आपका, नीचे आर आएगा ऊपर आर बाय टू, तो हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में करंट कितना होगा, ये आई वन है, यहां पर हम आई टू निकालेंगे, तो आई टू इक्वल टू वी अपॉन आर, आर बाय टू तो टू ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन गया, टू वी अपॉन आर, अंडरस्टूड। अब हमको क्या निकालना है, एच वन निकालना है और एच टू निकालना है, एच वन इक्वल टू आई स्क्वायर, तो ये वाला आई स्क्वायर, आई वन स्क्वायर इंटू आर सीरीज, यहां पर क्या हो जाएगा, आई टू स्क्वायर इंटू आर टी। चलो जी, आई स्क्वायर क्या है, वी अपॉन टू आर का स्क्वायर इंटू टू आर, यही होगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन फोर आर इंटू टू आर, आर से आर कैंसिल, टू से टू कैंसिल, नीचे कितना बच गया, टू। इस तरह एच टू निकालेंगे, तो टू वी अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर बाय टू, तो फोर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर बाय टू, आर से आर कैंसिल, यहां पर आपका आ गया टू। हमको क्या निकालना, दोनों का रेशियो निकालना है, फाइंड देयर रेशियो, हमको करना है एच वन अपॉन एच टू, एच वन अपॉन एच टू, एच वन कितना आया था, वी स्क्वायर, कितना कितना आया था हमारा, ये एच वन था, वी स्क्वायर अपॉन टू, वी स्क्वायर अपॉन टू, वी स्क्वायर अपॉन टू, और इसके नीचे H2 आएगा, H2 हमारा कितना आया था, 2V square, तो 2V square, अब ये 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, आपका कैसे बन जाएगा, V square upon 2 into 2V square, V square, V square से V square cancel, क्या बच गया 1 upon, किसी को कोई doubt, कोई शक, तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी भी step में, है ना। अच्छा क्वेश्चन, इससे ये पता लगता है जब आपका सीरीज में कनेक्ट हुआ तब और पैरेलल में कनेक्ट हुआ उसमें क्या डिफरेंस हो, इसका मतलब जब सर्किट सीरीज में होते हैं तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है और जब उसमें होते हैं, किसमें होते हैं, पैरेलल में, तो हीट कम प्रोड्यूस होता है। इसको अपने से लिख सकते हैं एच वन इक्वल टू एच टू इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ एच वन, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, नीचे वाला पैरेलल है। अच्छा पैरेलल में दिखा रहा है हीट ज्यादा प्रोड्यूस है, अटेंडेंस देनी है, रुजा भाई बस, वन अपॉन फोर एच वन अपॉन एच टू, एच टू यहाँ गया, यहाँ गया, पैरेलल में बता रहा है हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। हाँ पैरेलल कनेक्शन में हीट ज्यादा क्यों प्रोड्यूस होती है, इसका रीजन समझ लो, एच इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर, ठीक है। आपका जिस रेशियो में, देखो सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है, आई स्क्वायर आर एस
आरपी, ठीक है। अगर दोनों में सेम करंट सप्लाई होता है, ठीक है, दोनों में सेम करंट सप्लाई होता है तो आर एस का वैल्यू ज्यादा होता है और आरपी का वैल्यू कम होता है ना। आर एस का वैल्यू ज्यादा तो आरपी का वैल्यू कम होता है, इसका मतलब यहां पर आई ज्यादा फ्लो करेगा, यहां पर आई आपका कम फ्लो करेगा। तो यहां पर आपका आई ज्यादा फ्लो करता है इसलिए पैरेलल सर्किट में हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। अगर रेजिस्टेंस सेम होता है, हम बार बार में ये कंडीशन केस टू केस डिफर करता है, ये ऐसे स्टैंप नहीं गई होगा। अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम है, दोनों रजिस्टर सेम है, दोनों को आप सीरीज में लगाओगे, दोनों को पैरेलल में लगाओगे, तो पैरेलल वाले में लाइट मतलब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी एज कंपेयर टू सीरीज वाला, ठीक है। इसे हर क्वेश्चन के पीछे लॉजिक होता है। अंडरस्टूड, क्लियर सबको? क्वेश्चन खत्म। एक क्वेश्चन और बाकी है, लास्ट क्वेश्चन 31, उसके बाद हम लोग अटेंडेंस लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, ए पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 पीसेस, गुड, देन दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, गुड, इफ द इक्वल रेजिस्टर दिस कॉम्बिनेशन आर इज दिस, फाइंड द इक्वल रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है, आपका जो पहले का रेजिस्टेंस था वो समझो ऐसे इतना लंबा था, 25 मीटर मान लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस 25 आर है ना, एक मीटर का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो 25 मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा 125 ओम, लॉजिकली मान लेते हैं ना, लॉजिकली इसे बता रहा हूँ। यहाँ पे इसमें बोला 5 इक्वल पीस में ब्रेक करना है, मैं इसे आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। मान लीजिए इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है 25 ओम, ठीक है। आपने क्या किया, इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आपका आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर थ्री इक्वल टू आर फोर इक्वल टू आर फाइव। अच्छा, इसको सिंपल करने के लिए क्या करो, इसका टोटल का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, 5 मीटर वायर है ना, 5 ओम मीटर, 5 ओम, इन सब का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। अगर 5 मीटर वायर है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, 5 मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, तो 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम। क्यों? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर आपने उसको 5 इक्वल पार्ट में कट कर दिया तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। तो जब आप इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे आर एस, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 ओम, और जब इसको आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे आर पी, तो 1/1 ऐसे होगा 1/1 ऐसे होगा। तो 1/RP इक्वल टू 1/5/1, RP इक्वल टू 1/5, तो RS/RP करेंगे तो है ना, RS/RP करेंगे तो RS कितना है 5 ohms, RP कितना है 1/5 ohms, ये 5 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, इसलिए RS इक्वल टू 25 ohms/RP, रेशियो आपका कितना आएगा 25:1। ओके जी, क्लियर जी सबको, अंडरस्टूड? तो यहाँ पर आपका मेरी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लगभग पूरा कवरअप हो गया है। फिर भी स्टिल किसी को डाउट है आप व्हाट्सएप पे डाउट पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। आपको मैं होमवर्क डेली देता रहूंगा, आज भी आपको मैं होमवर्क भेजूंगा। ये आपके जो क्वेश्चन हैं, आज का होमवर्क आपके सारे क्वेश्चन ही हैं जो हमने आज क्वेश्चन सॉल्व किए, तकरीबन 10-11 क्वेश्चन हैं। आपको मैं शीट भेजूंगा, ये होमवर्क आप सबमिट कर सकते हो संडे तक। ये होमवर्क कब तक सबमिट करना है? संडे शाम तक, ठीक है ना। और जो कल का होमवर्क है वापस आज शाम 10 बजे तक सबमिट करना है आपने, ठीक है, क्लियर कर दो। जिसने होमवर्क सबमिट किया उसने भी अपना पूरा होमवर्क होना चाहिए क्लियर उसका, और ये होमवर्क आपको संडे तक सबमिट करना है। चलो, आप लोग अटेंडेंस दे सकते हो अभी। सॉरी, यस,
अभी किसी को डाउट है तो आप लोग कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हरी बोल सर, थैंक यू सर। Excuse me, sir. Yes, bachcha. Sir, I have a doubt in one of the extra questions that were given yesterday. Haan, puchho bachcha. Sir, in the 12th question of, 11th question. Okay. Of second part. Okay, yes. One second.